एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे। अभी छोटी सी क्लिप आपने डुगू की देखी, उसकी छोटी सी ढोलक जो है, भाई साहब छतरपुर गए थे तो वो लेके आए हैं, रेखा और वो गए थे जब इस बार। और बैकग्राउंड से आवाज़ आएंगी तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आवाज़ों से बहुत ही परेशान हूँ। और यहाँ पे मॉर्निंग के खाने की तैयारी हो रही है, तो बस रोटियों के लिए तवे पे जो है माजन लगाया जा रहा है। वैसे तो मिट्टी के तवे पे भी रोटियाँ बना लेते हैं, बट अभी बरसात के बाद जो है लकड़ियाँ, बरसात में लकड़ियाँ बहुत ही सीती सीती सी रहती हैं और इतनी सूखी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और बस अभी पीछे थोड़ी सी मुझे जंग जैसी दिख रही थी, तो बस मैंने इस पे जो है पानी का हाथ फेर दिया है। वैसे तो मिट्टी का माजन लगा देते, बट मिट्टी का इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उस पे पराठा बनाने पड़ेंगे शायद बाद में। तो ये देखिए रोटियां बन रही हो और आग अच्छे से नहीं जल रही है, इसलिए रोटियां जो है फूली फूली नहीं बन रही हैं। वैसे चूल्हे की रोटियां तो फूली हों या ना फूली हों, वो वैसे भी अच्छी लगती हैं खाने में, तो बस फूली फूली नहीं बन रही हैं, बाकी तो सब कुछ ठीक है और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं रोटियाँ, तो मैं बेल रही हूँ, रेखा जो है सेक रही है। तो मैं बीच में थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी थी, उसके बाद जो है मैं दाल वगैरह कर रही थी। बीच में एक्चुअली अदिति जो है झाड़ू भी लगा रही थी, तो वो क्लिप में बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने मूंग की दाल बनाई थी, तो लौंग और हींग से बस हम इसको छौंक लगाएंगे। तो लौंग मेरे पास थी नहीं, ख़त्म हो रखी थी, क्योंकि लौंग कोई खाता नहीं है, मतलब थी ही नहीं। वैसे कोई होता तो अभी दशहरा पे आ जाएंगी तो रख दी जाएंगी पूरी साल के लिए स्टोर करके, क्योंकि जो भी सामान हम लोगों के यहाँ आता है पूरी साल के लिए स्टोर करके रखा जाता है। तो बस हींग मैंने डाल दी है और मैं इसमें आग लगाने की सोच रही थी कि आग लग जाती, बट लौंग नहीं थी ना तो आग लगी नहीं उसमें। फिर मैंने ऐसे ही मन मार के उसमें छौंक लगा दिया। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा उसको और वो कर लूँगी, खोला लूँगी अगर ज़रूरत लगेगी तो। और फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी मुझे कम लग रही थी, नई दाल है अभी बनाई गई है, तो बस इसमें मिर्ची डाल दूँगी और लौंग डाल दूँगी। वैसे तो इसमें हरी धनिया पत्ती मिर्ची का नमक होता है, तो बहुत मतलब मसाला होता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, पर अभी नहीं था तो फिर मैंने ऐसे ही बना ली। मम्मी ने सुबह में ही दाल दरी थी तो उसके बाद तुरंत मैंने बना ली, तो बस ऐसे ही मैंने कर लिया। अच्छी लगती है मूंग की दाल। और यहाँ पर जो है अदिति झाड़ू लगा रही थी, तो रोटियाँ बनाते टाइम ही झाड़ू लगा रही थी। दरअसल हुआ क्या कि यहाँ पे जो है मम्मी जी ने सुबह में पहले एक बार झाड़ू वगैरह हम लोगों की हो चुकी थी, मतलब रेखा एक बार मॉर्निंग में झाड़ू लगा लेती है, तो वो झाड़ू लगा चुकी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मम्मी ने जो है मूंग की दाल दरी तो उसका कचरा हो गया था, और फिर पैरों पैरों से भी कचरा हो जाता है, चाय के बर्तन भी इधर उधर जगह तगह फैले पड़े थे। तो फिर उन्होंने बोला कि अदिति तुम लगा दो, और फिर ठीक है बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम सिखाना भी चाहिए, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़े काम आ जाता है, जैसे कभी कोई बीमार है या कुछ भी तो काम आ जाता है। तो बस अदिति वैसे झाड़ू वगैरह कर लेती हो, बहुत अच्छे से करती है, बहुत ही सफाई से। तो उसके बाद आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई, तो हम लोग जा रहे थे बमीठा, अचानक से प्लान बन गया। तो ये देखिए बस वहीं का व्यू दिखा रही हूँ मैं, और अभी गांव से निकलने का ही व्यू है, इसलिए खेत वगैरह आप लोगों को दिख रहे हैं क्योंकि गांव से निकलते ही खेत वगैरह है, तो वो ही आप लोगों को दिखा रही थी मैं कि हम लोग निकल गए हैं और बात करने का मौका ही नहीं मिला। तो ये देखिए अदिति भी बैठी हुई है, और उसके बाद जो है हम लोग चले गए शॉप पर, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान खरीदना था। तो ये देख लीजिए, अदिति से बोला था मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो क्लिप ले लो, तो बस वो ले रही थी। और आप लोग गैस कीजिएगा कि मैंने क्या खरीदा होगा, बताइएगा ज़रूर कि मैंने क्या लिया है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में तो आप लोगों को दिखा ही दूंगी, अभी तो खैर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ब्लॉग अभी थोड़ा सा मतलब जितना मैं रोज बनाती हूँ उतना ही हो गया है, तो इससे बड़ा क्या बनाऊँ, इसलिए फिर मैंने सोचा चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगी। तो बस यहाँ पे कुछ कुछ सामान मैं देख रही थी, जैसे बिछुड़ा वगैरह बिछिया देख रही थी, क्योंकि देख रही थी मैं कि अब देखते हैं लेती हूँ नहीं लेती हूँ, तो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, आज की मैं तो नहीं दिखाऊंगी, सस्पेंस रखूंगी।
और आप लोग बताइएगा ज़रूर कि मैंने क्या ख़रीदा होगा। और यहाँ पे मुझे थोड़ा सा सामान लेना था, मतलब दो तीन चीज़ें लेनी थी, दीदी के लिए भी कुछ लेना था, तो बस मैं वही सामान लेने चली गई थी। उसके बाद जो है हम लोग गए थे जनरल स्टोर की शॉप पर, तो अदिति से वीडियो बनाने के लिए बोला तो उससे इतना क्लियर नहीं आया है, बट कोई नहीं उसने बना दिया है। तो यहाँ पे जनरल स्टोर की शॉप पे भी मुझे कुछ सामान लेना था, क्योंकि था ही नहीं, मतलब काफ़ी दिन से यहाँ हूँ तो ख़त्म हो रखा है। तो यहाँ पर तो मैं हेयर बैंड देख रही हूँ अदिति के लिए, कि मतलब उसको लेने थे, बोल रही थी कि मुझे हेयर बैंड दिला देना। और बस ये देख लीजिए वहीं का व्यू है। हम लोग फिर लौट के आए थे तो मेडिकल से थोड़ा सा सर दर्द की गोली ले रहे थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जो है आज ब्लॉग सुबह से शुरू हुआ है और शाम हो गई है, तो मैं लाइव कर रही थी, लाइव करते करते बीच में ही बंद करनी पड़ी क्योंकि ये आ गए थे, तो फिर बोले कि चलो चलते हैं बमीठा, तो बमीठा जाना पड़ा। और बमीठा कुछ काम से ही गई थी, मुझे थोड़ा सामान भी लेना था और थोड़ा पर्स वर्स रख दूँ अभी मैं, क्योंकि अभी जस्ट लौट के आई हूँ, फिर आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई क्योंकि सडन प्लान बन गया था, इसलिए नहीं बात कर पाई आप लोगों से। वैसे वरना मैं नहीं जाने वाली थी। लो जो दिखाया छोटी माँ को, हाँ, और जो कुछ भी सामान लेके आई हूँ, मतलब मार्केट से जो कुछ छोटा मोटा सामान लेना था क्योंकि था नहीं, ख़त्म हो रखा था, और यहाँ पे काफ़ी टाइम से हूँ तो बस था ही नहीं, तो फिर सोचा चलो फिर ले आती हूँ, तो इन्होंने बोला कि चलो चल देते हैं, तो फिर गए हम लोग सामान लेके आए। और शॉपिंग वाला ब्लॉग जो है आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगा कि मैंने क्या क्या लिया है, क्योंकि फिर ब्लॉग जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आप लोग देखते तो हो नहीं हो, और फिर मतलब कोई नहीं, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे मैं कि क्या क्या लिया है। आप लोग बताना कि गैस करना, मतलब मैं क्लिप डालूंगी शॉपिंग करते हुए क्लिप डालूंगी, तो आप लोग गैस करके बताना कि मैंने क्या क्या ख़रीदा होगा। तो कुछ सामान खरीदा है, बहुत ही ज़रूरी भी था, ऐसा नहीं था कि मतलब लेना नहीं था, चाहिए नहीं था, तो चाहिए बहुत ज़रूरी था, काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था, और फिर मुझे अभी नज़र के सामने पड़ गया, मतलब दिख गया, तो फिर मैंने ले भी लिया। और ऐसे होता है ना, कई बार काफ़ी चीज़ें होती हैं और दिखती भी नहीं, मतलब याद भी नहीं रहता, लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, और आज जो है नज़र के सामने आ गया तो फिर मैंने ले भी लिया। तो चलिए फिर अभी बताऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया है, क्योंकि अभी उनको वॉश करेंगे, उसके मतलब सैनिटाइज करके रख देंगे उन सामान को, और अदिति अभी जो है ले गई है तो पहले सैनिटाइज कर देगी, फिर छोटी मम्मी को दिखा देगी, यानी रेखा को दिखा देगी, छोटी माँ बोलती है उसको, तो उसको दिखा देगी, और क्योंकि उसको पता है कि सैनिटाइज करना है तो हैंड वॉश कर लेगी, वो भी कर देगी। और चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।